अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। का बुलेट है, मैकेनिक ने क्या किया हुआ है, क्लच पार्ट डालने के लिए पूरा कवर को चेंज किया हुआ है, और ये जो बुलेट रहा है मैंने दूसरा इसमें 5-4 क्लच पेट डाला हुआ है, इसलिए मैंने इसको कोई चेंजेस नहीं किया, वही कवर में फिटिंग किया हुआ है, पूरा लगा हुआ है। देखो नट इधर रहता है, इसलिए पूरा एक्सल खोल के फिर वो तीनों गियर निकलता है, नहीं तो निकल नहीं पाता गियर। ये पूरा क्लच साइड में रॉड आता है पूरा, ये वाला रॉड, ये रॉड खोलने के बाद फिर उसके बाद में गियर बॉक्स का काम होता है। जो ओल्ड गाड़ी होता है उसमें क्लच प्लेट 3 आता है, इसमें क्लच प्लेट 4 है, 1, 2, 3, 4। और जो ओरिजिनल रहता है उसमें 3 आता है, कंपनी की जो 1976 का मॉडल आता है उसमें 3 क्लच प्लेट आता है, इसमें 4 डाला हुआ है। इसमें आप 4 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो। इसमें आपको ये जो क्लच कवर है ये नहीं चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो देखो ये ओल्ड है, ये ओल्ड क्लच प्लेट है, ये क्लच पूरा ऊपर का कवर है ओल्ड वाला, नहीं देखिए आप पूरा कोई भी मैकेनिक पूरा चेंज कर देता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 4 भी डाल सकते हो, 5 वाला भी डाल सकते हो, जो इसका कंपनी का ओरिजिनल आता है 3 ही आता है, और इसमें कोई कवर आपको चेंज नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। आप कभी भी अगर लगाना है 4 या 5 क्लच प्लेट पूरा कंप्लीट बदली करना पड़ता है ये वाला। अभी इसमें तो 4 लगा हुआ है और 5 भी आप लगा सकते हो, उसके लिए आपको ये कवर पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी ये परफेक्ट फिटिंग हो गया हुआ, अब इसके ऊपर कवर लगा देंगे बस। ये जो बुलेट है ये आता है ओल्ड मॉडल का 6 बोल्ट का, अगर आपको 12 बोल्ट करना है तो ये कवर चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो आपको बताया इसमें कॉइल जो इसके अंदर है वो 12 बोल्ट आप बदली कर सकते हो। तो आपको